वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम छवि. तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, एक्चुअली मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि मैं सारी जर्नी जो है वो शेयर कर रही हूँ. तो आज मैं एक्चुअली जा रही हूँ किचन्स देखने, क्योंकि आपको पता है मैं अपना घर खुद से ही डिजाइन कर रही हूँ. तो जैसे मैं फर्नीचर देखने गई थी उसकी वीडियो आज ही मैंने अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखी है ना तो जाकर के पहले देख लेना. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो क्लिक करके पहले देख लेना. तो क्योंकि कंटिन्यू देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कुछ थोड़ा थोड़ा. तो आज मैं किचन्स देखने जा रही हूँ. जैसे मैं प्रैक्टिकली फर्नीचर देख के आई हूँ तो मुझे बहुत कुछ क्लियर हो गया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे जो है ना वो क्लियर हो गए हैं. तो आज मैं जा रही हूँ किचन्स देखने, बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं है, कुछ एक चीजों के बारे में बताया है मुझे किसी ने और बताएंगे भी. मुझे पीछे से मना किया जा रहा है कि मेरी वीडियो मत लो, मेरी वीडियो मत लो, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मेरी वीडियो मत लो. तो इसलिए मैं सीधा कर लिया कैमरा. अब तो मैं आपको बता रही थी कि मैं कुछ नॉलेज मुझे मिली है, क्योंकि मेरा कजन ब्रदर है, इनका कजन ब्रदर है, मेरा देवर बनता है, तो उसने थोड़ा नॉलेज दिया है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपना किचन मॉडल करवाया था तो उसने काफी नॉलेज दिया है. और उसके साथ ही हम लोग आज जा रहे हैं, उसको रास्ते में हमने लेना है. एंड देन मैं देखने जा रही हूँ जो बनी बनाई किचन जो होती है, अच्छी अच्छी शॉप्स के ऊपर आपको मिल जाती है बनी हुई, तो वो देखने के लिए जा रहे हैं. प्लस एसेसरीज देखूंगी, प्लस बहुत सारी चीजें देखूंगी, आपको भी दिखाऊंगी अगर आप बनाना चाहते हो. अगर नहीं बनाना चाहते हो तो प्लीज मेरे साथ रहिएगा, मुझे सजेशन जरूर देना कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ. तो इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना मुझे सजेशन देने के लिए, ओके. तो बाकी आप देखो ना देखो, मुझे सजेशन देने के लिए प्लीज रुकना आज के ब्लॉग में. और क्योंकि इस चीज की मुझे सबसे कम नॉलेज थी, बाकी चीजों की मुझे काफी नॉलेज थी और काफी कुछ मैंने कर लिया, अच्छे से कर लिया मैनेज, और मैं बहुत खुश हूँ जो भी मैंने किया अभी तक. तो सलाह के साथ किया है, हेल्प बहुत मिलती है मुझे इनकी, बट आइडियाज हाँ मैं डेवलप करती हूँ और उस पर हम वर्क करते हैं फिर, ठीक है. उसके बाद घर जाके कुछ और भी शेयर करना है, लेकिन फिलहाल मैं किचन शेयर करने वाली हूँ. तो फिलहाल हमें पिक करना है पवन को, और पवन मेरा देवर एक्चुअली, उन्होंने करवाई थी अभी किचन का मॉडलर, तो उनकी उसकी हेल्प से हम लोग जा रहे हैं शॉप पे. तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ उससे. पर हाँ, मिलने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है. वैसे तो आपने कर दिया होगा मुझे पता है, लेकिन नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस में लेकर के आती रहती हूँ. तो चलिए मैं मिलाती हूँ आपको, हम लोग किसके साथ जा रहे हैं. सो लिटिल बिट प्लान चेंज. तो पवन को पिक करने से पहले छोटा सा काम और करना पड़ेगा, बिकॉज उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, वो ऑफिस में है और उसको लग जाएगा अभी थोड़ा टाइम. तो तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डोर दरवाजों के लॉक होते हैं ना वो देख लेते हैं, ठीक है. तो किसी ने इनको एड्रेस बताया है पर इनको क्लियर नहीं है कहाँ पे है, तो ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, देखते हैं कहाँ पे जाके मिलता है. शॉप है कोई, इनके किसी नोन ने बताया है तो वहां पे जा रहे हैं, तो ढूंढते हैं शॉप को. आइए, आप देख रहे हो अंधेरा हो चुका है, जब मैं निकली थी तो काफी अभी दिन था, एक काम नहीं हुआ अभी तक, एक भी नहीं. एक तो शॉप ही नहीं मिला जो इनके दोस्त ने बताया था, वो तो शॉप ही नहीं मिला, ठीक है. उसके बाद हम लोग जो किचन देखने जा रहे थे ना, वो शॉप भी बंद हो गया है. इतना गुस्सा आ रहा ना सच में, मतलब मैंने बोला था आपको पहले किचन देखने जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, बट इट्स नॉट लिसनिंग. किचन देखने जाना चाहिए था ना पहले, है? पहले बस है ना आपको, तो वो क्या पता 6 बजे बंद हो जाती है. किचन देखने क्या जाना चाहिए. हम लोग घर जा रहे हैं, इस ब्लॉग में मिलती हूँ मैं मॉर्निंग में, कंटिन्यू रखूंगी, इतना छोटा ब्लॉग आपको नहीं दिखाऊंगी. ये हाईवे पे है, हम इस टाइम पे मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखो, ये मेरी छोटी सी कारीगरी है जो मैंने डिजाइन की है खुद, पूरा नहीं दिखाऊंगी, पूरा बाद में दिखाऊंगी, ठीक है, कितना दिखाती हूँ ऐसा ही. ये क्या था गैस करके बताना कमेंट में मेरे को क्या था. ये एक्चुअली मेरा नया घर है,
पहले बता दूं जिनको नहीं पता ना, ये मेरा नया घर है और ये जो मैंने अभी दिखाया ना आपको, ये कहाँ का था क्या था प्लीज मेरे को बताना अगर आपको पता चला तो। लेकिन इसका पूरा लुक ना मैं बाद में दूंगी, यहाँ पे बड़ा अंधेरा है, वहां पे हमने लाइट लगा रखी थी क्योंकि एक लाइट लगा के रखनी चाहिए ना, सभी बोलते हैं। कहाँ जाना है, ऊपर जाना है? कुछ नहीं है ऊपर, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ जल्दी करके आना, डोंगी आता है। मैं ना पीछे पीछे ही जा रही हूँ क्योंकि पता है यहाँ पे ना एक डॉगी है आजकल तो पीछे पीछे भागता है तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैं पीछे पीछे ही आ रही हूँ ऊपर। और इतनी हवा चल रही है, इतनी हवा, इतनी ठंड है कि पूछो मत, कुछ मत पूछो। एग्जांपल के लिए आपको बताऊँ, देखो वो पीछे दरवाजा है ना जो ये वाला, ये हवा से हिल रहा है, आवाज आ रही है इसकी। बहुत ठंड है सच्ची में, बहुत ज्यादा ठंड है। मेरा ना पर्पल के पार्सल कुछ आए हुए हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं, उनको खोलना था मुझे और मुझे टाइम नहीं लग रहा था, तो इसी बहाने मैं खोल लूंगी अभी जाकर के उनको अनपैक करती हूँ। तो देखिएगा क्या क्या मंगवाया है मैंने, आप लोगों के लिए रिव्यू के लिए ही मंगवाया था, जो मुझे रिक्वेस्ट आया था वही मंगवाया है मैंने, तो देखते हैं इसमें क्या है। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको पहले बंद करके जाएंगे, यहाँ पे हम लोग रोज आपको यहाँ पे आते हैं इसको बंद करने के लिए। कैसे दिखाऊँ आपको कितनी हवा चल रही है। अच्छा ये क्या है, ये देखो ये तार है, जोर जोर से हिल रही है। और देखो बादल सड़क रहा है, बादल दिख रहे हैं आपको, हल्के हल्के बादल दिख रहे होंगे, या तो बहुत सारे पर दिख रहे होंगे। ये देखो बहुत ठंडी है, पहले गर्मी आ गया था एकदम से, पता नहीं क्यों अब इतनी सारी ठंड कहाँ से आ गई है। यहाँ पे लाइट नहीं है बाय द वे, मैं आपको बता दूँ, इसलिए ऐसे शूट करना पड़ रहा है, बट फिर भी आप लोग अच्छा लगता है देखना तो मैं शूट कर रही हूँ। कौन आया, भूत आया। सो गाइज ये पर्पल से कुछ पार्सल आए हुए हैं, काफ़ी सारे आए हुए थे लेकिन मैं शेयर ही नहीं कर पा रही थी तो एक एक करके शेयर करूँगी। ये फर्स्ट वाला था 2020 का, ये आई थिंक जनवरी में आया था मेरे पास और ये मैंने अभी तक खोला ही नहीं है, मुझे टाइम नहीं लगा इसको खोलने का। और ये लिप कलर्स हैं, ज़्यादातर इसमें लिप कलर्स ही आपको मिलेंगे, काफ़ी अच्छी कलेक्शन मुझे मिल गई और मोस्टली ऑन डिमांड मैंने लिए हैं, यानी कि जो रिक्वेस्ट मुझे आते हैं उनके अकॉर्डिंगली मैंने ये सामान लिया है। बिकॉज़ इसमें कुछ न्यू लॉन्चेस भी हैं, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो बहुत ट्रेंड में भी है, तो कुछ लोग ऑनेस्ट रिव्यू मांग रहे हैं इसका, तो इसलिए मैंने इन्हें लिया है। और कुछ मेरी पसंद की भी हैं, एक दो चीज़ें जो मैं लेना चाहती थी काफ़ी देर से, तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने पैकिंग करके भेजते हैं ये लोग, तो मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी पैकेजिंग। और गुड वाइब्स का ये रोज़ हिप वाला सीरम मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने ये सेकंड मेरा आया है, मेरा बड़ा फेवरेट वाला है ये, तो ये देखिए ये मैं धीरे धीरे करके खोल लेती हूँ इनको। और साथ साथ में मैं एडिटिंग भी कर रही थी तो इसलिए मैंने हेडफोन्स भी लगा रखे हैं। सो यस देखिए ये कुछ लिप कलर्स निकलेंगे इसमें, ये डार्लिंग इज़ाबेला की लिपस्टिक्स निकलेंगी इसमें से आपको दिखेंगी और बड़ी अच्छी लगती है मुझे, इस टाइम मैंने वेयर कर रखी है, वीडियो में नहीं दिखेगी आपको जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, यहाँ मैंने वेयर करके रखी हुई है। तो पैकेजिंग वाकई में बहुत अच्छी है और आपका कोई चीज़ डैमेज होकर नहीं आएगी, 100 में से 0.0001% चांस है कि आपकी कोई चीज़ डैमेज होकर के आपके पास पहुँचेगी। सो यस तो लाइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक्चुअल में और क्या क्या लिया था। और ये मैंने जो नेल पेंट लगाया हुआ है ये मेरा बहुत फेवरेट वाला नेल पेंट है, ये स्विस ब्यूटी का ही है, तो अगर आप चाहते हो शेयर करूँगी मैं ज़रूर आपके साथ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, प्लीज़ मुझको बताइएगा। तो ये देखिए ये सारा सामान था इस पार्सल में, 7 शेड्स हैं, डार्लिंग इज़ाबेला के, 2 स्टेक वर्की के हैं। सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, रात के 9 बज चुके हैं, 9 सो गया है और आगे मैंने चेंज किया है और मेकअप रिमूव किया है अभी। सो मैं मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में आपसे, मेरे नए ब्लॉग में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।